आ जा, अब खाना रेडी है। बस 2 मिनट रे, मैं तो बहुत खुश हूँ, टिकट्स हो गई अपनी। 3-4 बार प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ। गलती पता क्या हुई, मैं सफारी से ट्राई कर रहा था। गाइस, हमने 2-3 बार किया, हमें टिकट के अराउंड 20,000 points एक्स्ट्रा देने पड़े, बट इवेंचुअली चलो होगी। बट अगर हमारे पहले हो जाता, मैं क्रोम से ट्राई कर लेता तो एक बार भी हो गया। कभी आपका ब्राउजर अटक जाए तो चेंज कर लेना यार, मेरे पता दिमाग में क्यों नहीं रहा। आप यहाँ पे बीन्स खा रहे हो क्यूटी, आ जाओ अंदर। कॉफी के साथ थोड़ा सा टिरामिसू हो जाए, थोड़ा सा ही दियो मुझे। तूने तो कल भी खाया था, मैंने नहीं खाया। दोस्तों शाम के बच रहे हैं 4 और मैं जा रहा हूँ, इवेंट है प्री सेल का, तो VIP शोइंग्स है, तो रिक्सेरा रियल्टी को इनवाइट आते ही है, तो अभी हम सारे जा रहे हैं रिक्सेरा रियल्टी के जितने भी रियल्टर्स हैं जो आज अवेलेबल है देखने के लिए, और शायद और भी रियल्टी से आए होंगे लोग, सो देखेंगे समझेंगे कि क्या नई प्रॉपर्टी आ रही है। तैयार हो गया था मैं, और कीरत को बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। आज सैटरडे है, मैं और कीरत लिटरली बता रहा हूँ, हम यही बात कर रहे थे कि आज के ही दिन है जो हम एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर पा रहे होते हैं, और कल का दिन तो ऐसे खत्म होगा कि मंडे आ जाए। मैंने उसको कहा मेरे को जाना है, और कीरत के पास भी ना भी काफी काम है उसके यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी बिजी है। मैं कहा मैं भी जब तक आऊंगा तब तक तू भी अपना काम खत्म कर ले, फिर हम बैठ के गप्पे गुप्पे मारेंगे। इतनी तेज जब से कीरत की जॉब शुरू हुई है वापस, 2 घंटे तो अब ये सोचो ट्रैवल में चल जाता है। पहले जब उसकी सरी में जॉब थी तो 2 घंटे तो वो बच जाते थे, वो 5 मिनट में घर पहुंच जाती थी, अब उसको 2 घंटे ट्रैवल में लग जाता है, थक भी जाता है इंसान। एंड उसने गुड बेबीज बन के बहुत ज्यादा चीजें भी शुरू कर लिया, लाइक मेडिटेशन शुरू कर लिया, और कीरत भी ना बहुत ऐसे बातें करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी उतनी और आसान हो जाती है अगर तुम्हारा पार्टनर भी कर रहा हो। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट, देखते हैं बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं, क्या क्या होगा, नए लोगों से मिलने को मिलता है, नेटवर्किंग हो जाती है, सो उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। कुछ तो जीजी भी नया बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो नई नई चीजें सीखते रहो, मिलते रहो लोगों से। बस आई होप रस्ते में ट्रैफिक ना मिले, मैं लेट नहीं होना चाहता इसमें, लेट तो नहीं हूँ मैं, टाइम पे ही पहुंच रहा हूँ, बट अगर ट्रैफिक मिल गया सडनली तो दिक्कत आ जाएगी। सो बेसिकली पार्क्स वालों का यहाँ पे है, एंड ये रिक्शेरा की सारी टीम चल रही है, अपना ऐसे ही लग रहा है जैसे सेलिंग सनसेट बना रहे हैं। जो नई वाली स्काई ट्रेन लाइन है ना वो यहाँ से जा रही होगी इस वाले प्रोजेक्ट के पास से। एक ना ये चीज़ देखने वाली होती है, जितने भी नए वाले अपार्टमेंट्स होते हैं छोटी छोटी स्पेस में पूरा से बनाया होता है कि टीवी आ गया, क्लोजेट आ गई, बेड आ गया, और विंडोज़ दी हैं ताकि वो और बड़ा लगे। तो ये बेसिकली स्टूडियो है, एंड मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी इसके लिए कि पूरी फ्लोर नहीं है, मैं आपको पूरा एक बार में मैप दिखा सकता हूँ। तो जैसे वहाँ से एंट्रिंग की, ये वॉशरूम है अपना, शावर वगैरह, ये सारे बैचलर्स वगैरह के लिए, या फिर जिनका स्टार्टिंग बजट है और अभी बुक कराना चाहते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो, वो वॉशर ड्रायर आ गया, वहाँ पे क्लोजेट है, ये हमारा लिविंग रूम, यहाँ पे ना मर्फी बेड इंस्टॉल करा सकते हो, तो यहाँ पर आपका हो गया। तो स्टूडियो में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक बेड नहीं होता, आपका लिविंग रूम में सब कुछ मैनेज होता है, और ये एरिया आ गया हमारा बैल्कनी, वही किचन है सामने, वेरी नाइस। चलो दोस्तों इवेंट हो गया, देख लिया समझ लिया चीजें, वेरी गुड प्रोजेक्ट, मतलब इतने अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई हद ही नहीं। अब घर चलते हैं, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, गप्पे गुप्पे मारेंगे, पूछता हूँ उसका कहीं वॉक पे जाने का मन तो नहीं, कॉफी तो नहीं पीनी क्योंकि जस्ट अभी घर से पी के ही आए हैं, ऐसी कॉफी पी है पूरी नींद उड़ी हुई है। अपनी चिरकुंडी को छोड़ के गया था, कहती मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, आई सो रही है, और चिकू स्नगलिंग करके कह रही थी शी, एक ही तो वीकेंड है, कच्ची लस्सी दे रही है। इसमें थोड़ा सा ना एकदम से मूड थोड़ा अजीब सा हो गया, ना नॉट गुड, कंफर्टेबल नहीं लग रहा। गाइज मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी है, मेरे को नहीं पता इस बात से कोई सीखेगा कि नहीं सीखेगा, बट मैं आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग है। तो जब अभी मेरी बैक वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है सबने मेरे को मैसेज किया, इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने, मम्मा ने, सबका कॉल आता रहता है, बट मैं यहाँ पे ना एक स्पेशल थैंक यू करना चाहता हूँ टू माई ब्रदर इन लॉ गौरव। गौरव का ना हर रोज मुझे विदाउट फेल कॉल या टेक्स्ट आया कि भाई तू ठीक है, कैसा चल रहा है, रिकवरी कैसे, हर रोज, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड इनफैक्ट ये क्यों मुझे ऐसे जोर की लग रहा है कि अगर मेरे आसपास भी कोई किसी की तबीयत खराब होती तो मैं एक बार
एक बार पूछ लूंगा, या फिर मतलब मानो अगर कीशु की भी मैं बात करूं और कीशु की तबीयत खराब है तो किरण मेरे से पूछते कि तूने दीदी से पूछा, मैं कहा नहीं बीमार है ठीक है रिकवर हो जाएगी, वायरल है मुझे मतलब मुझे मम्मा से पता लग गया तो मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है मुझे अपडेट आ गया। बट गौरव ने इतनी बार पूछा ना, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार, मुझे ऐसे लगा हाँ ठीक है, बट जब वो हफ्ते तक हो गया ना मैं कहा यार एक्चुअली दिस इज सो नाइस दैट समबडी इज आस्किंग यू कि भाई कैसा है। पहले तीन चार दिन तो मुझे समझ में नहीं आया, उसकी वैल्यू भी नहीं हुई उस चीज की, बट हफ्ते तक ही होता रहा तो ऐसे लगा यार। इससे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा कि अगर मेरे आसपास कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं बार बार पूछूंगा, वो शायद हालचाल पूछना जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे वो जरूरी होता है, तो एक वो चीज सीखी मैंने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई दोस्त होता है, कोई फ्रेंड होता है जिसके आपको पता है कि ठीक हो जाएगा वायरल है, फिर भी थोड़ा सा अगर एफर्ट डाल के उससे अगर पूछे तबीयत खराब भी है वो भी थोड़ा बेटर फील करेगा। मुझे नहीं पता आप एग्जैक्टली वो फीलिंग समझ पाओगे कि नहीं, बट आई जस्ट वांट टू से, और मैं और कीरत दोनों ये कहना चाहते हैं कि गौरव वी लव यू, थैंक यू सो मच। इतना गौरव ने पूछा ना कि मतलब दो मिनट तीसरे चौथे दिन तो मुझे ऐसे हुआ था मैं कहा ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगा डोंट वरी, बट उसका लगा मैं कहा यार ही इज सो नाइस, ये ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, ये शेयर करना चाहता था। सैटरडे रिचुअल के अकॉर्डिंगली लोड पे लोड लग रहे हैं दोस्तों, सुबह से लगी हुई हूँ मैं कपड़े सॉर्ट करने, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, फियांचु का बॉक्स एक बना दिया डोनेशन के लिए, आपको तो पता ही है शॉपिंग करते रहते हैं और कलेक्ट होते रहते हैं, और मेरे को नॉट गुड आदत है कि कपड़े मेरे से मतलब कि ज्यादा डिक्लटर नहीं कर पाती हूँ, एंड दैट आई ब्लेम टू माई मदर बाय द वे, क्योंकि वो इतने साल पुराने उन्होंने रखे हुए हैं और फिर उसके बाद 10-10 साल बाद पहनते हो, इतना अच्छा लगता होता था मेरे को, तो मेरे को भी ऐसा होता था कि यार नहीं, बट नाउ आई फील लाइक नो वी शुडंट बी अटैच टू ऑल दीज क्लोथ, हम नए नए खरीदते रहते क्योंकि कंट्रोल होता नहीं है और कट्ठे करते रहते हैं। ये स्पेसिफिकली वो वाले कपड़ों के लिए है और मेरे कपड़ों की भी बात हो रही है जो पिछले 2 साल से मेरे पास है बट मैंने एक बार भी नहीं पहने। तो अगर तुमने 2 साल में एक बार भी नहीं पहने उसकी बारी नहीं आई, चाहे विंटर सीजन हो गया समर सीजन हो गया, अब नहीं पसंद है तुम्हें वो। मैं अब डीक्लटर कर रही हूँ, ये मैंने फियांची के काफी सारे निकाल दिए और अपने मैं कल करूंगी, और ये मैं फियांची की कबर्ड सेट कर रही हूँ, ये देखो इधर सारी मैंने कर दी है। मैंने सारा इससे पूछा फियांचू ये पहनेगा ये पिंक वाला, भी कहता नहीं नहीं ये तो मैं कुका पहनता हूँ, फिर मैंने पूछा ये बीसी क्लोथिंग वाला बहुत देर होगी तू मतलब कि ये पहनता है, कहता बीसी क्लोथिंग नेवर ये तो बिल्कुल नहीं पहनना, फिर ये वाले कॉर्ड सेट भी इसने काफी बार पहन चुका है ये, फिर मैंने पूछा इससे कि पक्का और पहनेगा या मतलब कि आई शुड रिसाइकल इट, बट ही डजंट वांट टू थ्रो दीज अवे ईदर। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे डोनेशन प्रोसेस क्या है, बिन्स रखे होते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे, जैसे गैस स्टेशन पे होते हैं तो वहां पे आप अपने बैग्स वगैरह डोनेट कर सकते हो, कपड़े उसमें डाल सकते हो, या फिर आप H&M जाके कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी देते हैं आपको, रिसाइकल करते हो। हाँ रिसाइकल करते हो, रिसाइकल के लिए रिसाइकल के लिए दे रहे हो ना आप, तो दे गिव लाइक 10% या 15% ऑफ, बट आई थिंक जो हमें पता लगा है वो काफी अच्छा तरीका है। हाँ तो जो मेरे को पता चला है मेरी फ्रेंड ने बताया इज बिग ब्रदर करके वेबसाइट है, वहां पे जाके आप साइन अप करो और उनको बता दो कि हमारे पास डोनेशन के लिए बॉक्सेस हैं, कपड़े हैं, कुछ भी घर की आइटम, फॉर एग्जांपल शूज हो गया, यूटेंसिल्स जो हम नहीं यूज करते वो कपड़े, यू कैन जस्ट पुट इन द बॉक्सेस या बैग्स और दे विल कम एंड पिक इट अप फॉर यू, इट्स कन्वीनियंट हो गया वो, आई डोंट हैव टू कैरी दीज बिग बॉक्सेस और मतलब कि मैं लेके जाऊं वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये मुझे काफी अच्छी ऑप्शन लगी, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, थोड़े से मैं बॉक्सेस रेडी करूंगी और आई विल साइन अप सून एंड फिर वो आके पिक करके ले जाएंगे और फिर वो प्रॉपर मतलब कि रिसाइकल करते हैं, सो दैट्स अ गुड कॉज। और मेरा तो बहुत दिल है यार मतलब कि ये सब कपड़े इंडिया में ले जाएं, बट बहुत मुश्किल हो जाता है, इंडिया में इंडिया डोनेट कर दें पॉसिबल ही नहीं मतलब, बट यहाँ से शिपिंग ये वो अच्छे काम के लिए आएंगे वो भी डोनेट ही करेंगे जिनको चाहिए होगा, तो मतलब हम भी देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि सारे जो कपड़े फेंकने वाले मतलब इसमें से बहुत सारे ऐसे वाले कपड़े गुड मतलब हमने, बट अब वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट यूज टू दैट स्टाइल, कह लो कि नहीं दिल है वो मेरा पहनने का कि मैं क्या जबरदस्ती करूंगा ऐसे वाली चीजें, और मुझे लगता है ये भी अच्छी तरह लोगों के पास जाएंगे जिनको चाहिए, बहुत मतलब कि लिटरली 2-3 4 बार यूज करे हुए हैं और गुड कंडीशन में है सारे कपड़े, अभी तक तो मेरी कपड़े वो है नहीं मेरे में भी रख रखे हैं बैग्स, नहीं ये तो अभी मेरे हुए ठीक है। एनी हाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, अगर आप अपना फर्स्ट घर देख रहे हो बीसी में रहते हो या अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना मत भूलना, बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।